ओम शांति। आपका प्रश्न है, मरने के बाद आत्मा कितने समय में जन्म लेती है? वंडरफुल प्रश्न। आत्मा आज तक हम सुनते आए 13 दिन घर में रहती है, 13वें दिन आत्मा जाती है। कुछ कहते हैं आत्मा को धर्मराज तक पहुंचने में 11 दिन, 13 दिन, 15 दिन, 17 दिन लगते हैं। कुछ कहते हैं कि वो भटकती रहती है, अच्छे कर्म किए होते हैं तो वो पहुंचती है। परंतु आज परमपिता परमात्मा समझाते कि मौत का कारण कोई भी हो, चाहे एक्सीडेंट से मौत हो, चाहे आत्महत्या करने से मौत हो, चाहे किसी बीमारी के कारण मौत हो, मौत का कारण कुछ भी हो, आत्मा शरीर तब छोड़ती है जब उस आत्मा के शरीर छोड़ने का समय आ गया। आप देखते हैं कितना भयंकर एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, दिनों महीनों सालों वो कोमा में पड़ा रहा। एक्सीडेंट किसी को मार नहीं सकता, इसी प्रकार किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, आत्महत्या नहीं हुई, मरा ही नहीं, बच गया, शरीर जख्मी हो गया, शरीर अंदर से गल गया जहर के कारण, या एक्सीडेंट शरीर जो है कट गया परंतु बच गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, बाकी बच गया। या वही बात कह सकते हैं कि वो बीमार पड़ा रहा, एक दिन, दो दिन, दिनों महीनों सालों तक वो हॉस्पिटल में सड़ता रहा या लटकता रहा, दुखी जीवन जीता रहा। आत्महत्या करने से भी आत्मा ने शरीर को नहीं छोड़ा, कितना भयानक एक्सीडेंट होने पर बच गया, या लंबे समय तक या कम समय तक, जब तक आत्मा के शरीर छोड़ने का समय नहीं आया, आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं, चाहे कितनी बड़ी भयानक बीमारी हो जाए। हार्ट अटैक हो या हार्ट फेल हो, उसका अभी समय है तो उसका कोई ना कोई रास्ता ऐसा बन जाएगा कि वो शरीर में रहेगा। हार्ट फेल वाला भी यदि पहले ही मिनट में समझ में आ जाए और पहले ही मिनट में उसे CPR दे दिया जाए तो रिवाइव कर सकता,
परंतु हार्ट फेल वाले को ये चांस भाग्य से मिलेगा। उसका अभी उस शरीर में रहने का हिसाब है तो उसे ये सुविधा मिलेगी और वो बच जाएगा। और नहीं तो आत्मा के शरीर छोड़ने का समय आया है, उतने समय पर ही वो शरीर को छोड़ेगा। बहाने कुछ भी बने, शरीर ने अपने निश्चित समय पर ही छोड़ना है। किसी ने बहुत घायल कर दिया, परंतु आत्मा लंबे समय तक तड़प तड़प कर शरीर को छोड़ा। समय का इंतजार है, जब समय आएगा तो आत्मा शरीर को छोड़ेगी। उससे पहले शरीर को छोड़ नहीं सकती, कितना भी वो तड़पे, कितना भी कष्ट उठाए, वो उसका पार्ट। परंतु आज एक सबसे बड़ा वंडरफुल सच आप जानेंगे, आत्मा एक ही सेकंड में, आत्मा एक शरीर छोड़ते ही उसी ही एक सेकंड के अंदर मां के गर्भ में प्रवेश कर। ये वंडरफुल राज परम पिता परम आत्मा ने हमें समझाया 24 मई 2023 की साकार मुरली में। ये परम पिता परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य हैं जिनको बहुत ध्यान से हम समझेंगे। हम ये दूसरी लाइन से देखेंगे, तीसरी लाइन से। तुम जानते हो, क्या जानते हो, कि आत्मा एक शरीर छोड़ ये भागी दूसरे शरीर में। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीज हैं वो जानते हैं, परमात्मा कहते आत्मा ने एक शरीर छोड़ ये भागी दूसरे शरीर में, देरी नहीं लगती। सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता। इससे तीखा रॉकेट, इससे तीखा रॉकेट कोई होता नहीं। आत्मा शरीर के बिना नहीं रहती। इस संसार में आने के बाद आत्मा ने एक शरीर छोड़ा तो दूसरे शरीर में चली जाती, क्योंकि आत्मा एक्टर है, इस संसार में एक्टिंग करने के लिए आई है। उसने एक शरीर छोड़ा तो दूसरा शरीर पार्ट बजाने के लिए लेना ही लेना है, देर नहीं लगती। एक ही सेकंड में देखिए, एक ही सेकंड में इधर से शरीर छोड़ा भी है और उधर शरीर लिया भी है, चाहे मां ने गर्भ धारण कितना दूर विदेश में किया हो। कहीं भी किया हो पृथ्वी पर, ऐसे तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता।
आवाज की स्पीड से चलने वाले रॉकेट, परंतु आत्मा की स्पीड बहुत फास्ट। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर लिया, और उधर 3 महीने का गर्भ पहले से तैयार है। आत्मा 3रे महीने में प्रवेश करती, उस दिन मां को महसूस होता है कि मेरे पेट में कुछ चुरपुर हुआ। इससे पहले पता नहीं लगता। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है गर्भ में प्रवेश करती है, और फिर ये कहा जाता है कि उस आत्मा ने आकर के किसी के शरीर का आधार लेकर के अच्छा या बुरा कर्म किया। आत्मा आई, आत्मा को अनुभव किया गया। आ सकती है आत्मा, आत्मा आ सकती है। वहां शरीर में प्रवेश करने के बाद उसका पार्ट है, तो आत्मा आकर जिसको सुख व दुख देना है वो दे, वो उसका पार्ट है। आत्मा गर्भ में होते हुए भी आ सकती है, आत्मा जन्म लेने के बाद भी जब विश्राम अवस्था में होती है तो भी आत्मा आ सकती है। जब हम सोते हैं तो आत्मा विश्राम के लिए शरीर से अलग हो जाती है। तो जब हम अलग होंगे तो जरूर हम अपना पार्ट बजाएंगे और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।